बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज फिजान फारूक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्टनरशिप। वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू पे टैक्स इफ यू आर इन पार्टनरशिप। व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होती है? सिंपल क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है, पार्टनरशिप इज अ सिंगल ट्रेडिंग एंटिटी बट फॉर द टैक्स पर्पस ईच पार्टनर इज ट्रीटेड इंडिविजुअली। मतलब यह है पार्टनरशिप एक फर्म है, एक कंपनी है जो बहुत सारे लोग मिलकर मैनेज कर रहे होते हैं। टैक्स की नजर में हर बंदा अलग अलग टैक्सेबल है। कैसे है, क्यों है, कैसे होगा, इस वीडियो के अंदर आपको हम सिखाएंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी मोटिवेशन वीडियोज बनाने की बढ़ी रहे और हम आपके लिए इसी तरह से वीडियोस बनाते रहें। अब पार्टनरशिप के लिए सबसे पहले हम आपको लेके जाते हैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यानी बचपन। बचपन मतलब जब आप फाउंडेशन पढ़ रहे थे या F3 का पेपर दे रहे थे पार्टनरशिप, या ओ लेवल्स ए लेवल से पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, तो वहां पे आपने तीन कॉन्सेप्ट पढ़े थे। सर कौन से तीन कॉन्सेप्ट पढ़े थे तो मैं बताता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थोड़ा थोड़ा याद आएगा, सैलरीज टू पार्टनर्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये तीन कॉन्सेप्ट आपने अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी अपने बचपन में पढ़े हैं। आज हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं अपने स्टाइल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जो फर्म से पार्टनर लेता है यानी पार्टनर की इनकम, फर्म का एक्सपेंस। भाई मैंने पैसा लगाया बींग अ पार्टनर सो आई नीड सम इंटरेस्ट ऑन इट, इट्स कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिक्स परसेंटेज गिवन होगी, पार्टनर की इनकम, पार्टनरशिप का लॉस, ये याद रखना। सैलरीज, पार्टनर बोलते हैं भाई हम अपनी नौकरी अपनी जॉब छोड़ के आपकी फर्म अपनी फर्म में काम कर रहे हैं तो बाबा सैलरी भी चाहिए। प्रॉफिट तो होगा नहीं होगा किसको पता, प्रॉफिट तो होगा नहीं होगा किसको पता, सैलरी तो दो। तो जो सैलरी टू पार्टनर है, अगेन इट्स इनकम फॉर पार्टनर एंड एक्सपेंस फॉर पार्टनरशिप। इसके साथ पार्टनरशिप कहती है, अच्छा तुम कैपिटल लगाते हो तो इंटरेस्ट लोगे, तो विड्रॉ करोगे, अगर ड्रॉइंग करोगे तो मुझे इंटरेस्ट दे देना। इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स का एक्सपेंस है और फर्म की इनकम है। ऊपर वाले दो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरीज, ये पार्टनर की इनकम है और पार्टनरशिप का एक्सपेंस। जबकि नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप की इनकम है और पार्टनर्स का एक्सपेंस है। बचपन में यानी आपने वेरी बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ये डिस्कस किया है, ये पढ़ा है। अब इसको टैक्स में कैसे मर्ज करेंगे, टैक्स के साथ इसको कैसे लेके चलेंगे, तो लेट्स सी। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन हमारा पॉल एंड डैन, ठीक है, पॉल एंड डैन। इसमें हम फॉर्मेट भी सीखेंगे, इसमें हम पार्टनरशिप का बेसिक किस तरह से टैक्स में पार्टनरशिप को डील करते हैं बेसिक्स को देखेंगे और फिर इसको इंशाल्लाह एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। पॉल एंड डैन हैव बीन इन पार्टनरशिप फॉर नंबर ऑफ इयर्स, सेवन इयर्स से पार्टनरशिप में है। एग्रीमेंट में कहता है भाई सैलरी मिलेगी 25,000 ईच बंदे, हर बंदे को 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, 60-40 का रेशियो यानी प्रॉफिट शेयरिंग है। कैलकुलेटेड ट्रेडिंग इनकम असेसेबल, असेसेबल मतलब बेसिस पीरियड के बाद, यानी जिसको बेसिस पीरियड आता है वही पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकेगा। ठीक बात भी है, पार्टनरशिप नॉर्मली अकाउंटिंग यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से स्टार्ट होती है लेकिन इससे बेसिस पीरियड का टच आता है। तो अगर आपने वो बेसिस पीरियड नहीं आता या वीक है तो हमने बेसिस पीरियड के ऊपर अराउंड 4-5 पार्ट्स की वीडियोस यानी पूरी सीरीज बनाई है और हमने चैनल पे ये अवेलेबल भी रखी हुई है, तो उसको देख लीजिएगा ताकि बेसिस पीरियड आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। अब असेसेबल यानी आफ्टर बेसिस पीरियड पूछा है, टैक्स ईयर हमारा है 21-22, फाइन 74,000 का टैक्स है जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब ये फर्म का है, फर्म में कितने लोग, कितने ओनर्स, दो, पिल और डैन, तो ये दोनों में शेयर होगा। कैपिटल कितना कितना इन्वेस्ट किया था ये बता दिया है। अब जरा बात ध्यान से सुनना, कितने लोग हैं, सर दो लोग, कौन कौन, पी और
देन, तो कितने कॉलम बन गए? दो, और एक कॉलम एक्स्ट्रा टोटल का, यानी जितने पार्टनर उतने कॉलम, टोटल का कॉलम तो होगा। कैसे करते हैं? तीन चीजें, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सैलरी प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस, ये तीन चीजें याद रखो। कैसे करते हैं अभी देखेंगे। पार्टनर्स की बिहाफ पे बात कर रहे हैं, सैलरी पार्टनर की इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर का एक्सपेंस है, ठीक है। सबसे पहले सैलरी को ढूंढो, क्या इन दोनों को सैलरी मिल रही है? सैलरी मिल रही है, कितनी मिल रही है भाई? 25,000 ईच। तो फिल भाई को 25, डैन को 25, ओवरऑल 50,000। एनी क्वेश्चंस? व्हाट्सएप का नंबर आपके पास हमारा अवेलेबल है, ये हमारा नंबर व्हाट्सएप का, आप इस पे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैप कैपिटल पे दिया हुआ है भाई 5%, ठीक है। ये रहा कैपिटल 75,000 था, तो 75,000 का 5%, और दूसरे का जो था वो था 60,000, तो 60,000 का 5% कितना हो गया भाई? 75,000 इंटू 5%, 3750, और 3000 टोटल हो गया 6750। क्या क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अवेलेबल है? मुझे तो नहीं दिख रहा, तो क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हम जगह कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन यहीं पर आ जाए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है, होता तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्या करते, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्या करते हैं? लेस करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इस क्वेश्चन में है नहीं, तो अगर होता तो यहाँ पे लेस करते, ठीक है। अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखना, जब होगा तो देखेंगे। अब इनका करेंगे हम टोटल, इनका क्या कर लेंगे टोटल, तो भाई 56,750, 28,000 और 28,750। अब जरा ध्यान से स्क्रीन पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। अब मैं लिख रहा हूँ बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या? देखो भाई, इस फर्म ने कितना कमाया था? सर 74,000, ये गिवन। टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट वाज 74,000। अब सुनो, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन चीजों में कितना एडजस्ट हो गया? सर 74 कमाया था, 54 की सैलरी दे दी, 6750 का आईओसी दे दिया, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी ओवरऑल कितना लुटा दिया, कितना बांट दिया? आउट ऑफ 74,000 56,750 दे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ही तो बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, बचपन में पढ़ा था, याद आ रहा है F3, इस तरह से आपके ओ लेवल से ए लेवल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, यानी आप इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बोलते थे रेजिडुअल प्रॉफिट, यहाँ पे टैक्स में इसको कह देते हैं बैलेंस। रेजिडुअल प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर है बैलेंस लिखो। 74 में 56,750 ऑलरेडी बढ़ गया, तो द रेजिडुअल प्रॉफिट इज हाउ मच? कैलकुलेटर प्लीज, 17,250। और ये रेजिडुअल प्रॉफिट रेशियो गिवन है, रेशियो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग, हाउ मच? सर दिया हुआ है 60% फॉर मिस्टर P, which will be something, and 40% for Mr. D, which will be some amount. तो amount जरा calculator भी use कर लेते हैं। 60% of 17,250 will be 10,350 or 6,900. Total तो यही आएगा ना? 17,250 total था। इसमें से 60% और 40% हमने share कर दिया। 10,350 और 6,900 टोटल आप देखेंगे तो ये डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगा 74,000। अब पॉल की बात करेंगे तो पॉल को आ रहा है टोटल 39,100 और 34,900। ये था सिंपल पार्टनरशिप में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टच, लेकिन इसने हमसे ये नहीं पूछा, इसने बोला असेसमेंट। अब देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है कि दे आर इन पार्टनरशिप फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स, सिमिलर इयर्स, यानी ये बहुत पहले से पार्टनरशिप में है, मतलब इन पे बेसिस पीरियड तो लगेगा,
बेसिस पीरियड क्या था? टैक्स ईयर। बेसिस पीरियड, वर्किंग और असेसेबल प्रॉफिट, यही फॉर्मेट था ना। बेसिस पीरियड लगेगा, लेकिन ये बहुत सालों से है, फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन नहीं है। बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं किया तो फर्स्ट ईयर नहीं है। बिजनेस से कोई पार्टनर नया आया नहीं है तो उसके लिए फर्स्ट ईयर नहीं है। कोई गया नहीं है, कोई छोड़ के नहीं गया तो लास्ट ईयर भी नहीं है। यानी ये पार्टनरशिप कई सालों से चल रही है, नए आने की या किसी पार्टनर के जाने की यानी फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है किसका? ऑन गोइंग का। और ऑन गोइंग का क्या रूल था? जो ईयर एंड होता है वही बेसिस पीरियड होता है। कॉपी पेस्ट। देखो ईयर एंड क्या है, ये है ना ईयर एंड 30th September 2021। तो देखो ईयर एंड डेट 30th September 2021, कौन सा टैक्स ईयर बना? September 2021 फॉल इन विच टैक्स ईयर? तो सर हमारे टैक्स ईयर में फॉल कर रही है 21-22। वर्किंग की जरूरत नहीं है। अब देखो पॉल अलग और डैन अलग। पॉल के लिए अमाउंट आएगी 39,100, डैन के लिए अमाउंट आएगी 34,900। ये आंसर है। वर्किंग कोई नहीं है, यानी पार्टनरशिप तो थी, इसके बाद ऑन गोइंग का रूल। अगर आप ये वर्किंग बेसिस पीरियड ही करके नहीं दिखाओगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट में आपसे उसने रेजिडुअल प्रॉफिट की वर्किंग या पार्टनरशिप का शेड्यूल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स पार्टनर नहीं पूछा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर नहीं दे रहे हम टैक्स का पेपर दे रहे हैं। इसने पूछा है असेसमेंट। तो भाई शेड्यूल ऑफ पार्टनरशिप की प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यू मस्ट शो द एग्जामिनर कि भाई ऑनगोइंग का रूल लगा है, बेसिस पीरियड चला है और इन दोनों को ये अमाउंट मिल रही है। कॉपी पेस्ट ही हो रहा है, बट यू मस्ट शो टू द एग्जामिनर कि ये हमने काम किया है। तो ये था हमारे पास पार्टनरशिप का वेरी बेसिक वर्जन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका कुछ इसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें। इससे पहले आपको असाइनमेंट देते हैं, क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा, पॉल एंड आर्ट। पॉल एंड आर्ट ये आपका असाइनमेंट है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और आंसर व्हाट्सएप पे हमसे शेयर कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक, सेकंड टॉपिक, जिसको कहते हैं चेंजिंग इन प्रॉफिट रेशियो। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कभी कभी वो क्या करते हैं, पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग को चेंज करते हैं, अपने प्रॉफिट शेयरिंग को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को पार्टनर्स चेंज करें तो उसको कैसे डील करेंगे टैक्स के साथ, यानी टैक्स में उसको कैसे देखेंगे, हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है रोजाली एंड रोगन, दे आर इन पार्टनरशिप। देखो बहुत सालों से ये भी पार्टनरशिप में है, मतलब फर्स्ट ईयर नहीं है, लास्ट ईयर नहीं है, सिंपल ऑन गोइंग का क्वेश्चन है। ठीक है, सितंबर ईयर एंड दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब देखो मैं लिख रहा हूँ, ये वर्किंग है छोटी सी, ईयर एंडेड 30th September 2021, प्रॉफिट है 16,500 फॉर द ईयर, राइट, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे क्या मसला है, लिखता है एग्जामिनर, मस्ती कर रहा है हमारे साथ, ये क्या लिख रहा है कि भाई 30 जून तक ये काम किया और इसके बाद जुलाई से ये काम किया, क्या काम किया पढ़ते हैं। तो लिखता है भाई कि जून तक प्रॉफिट शेयरिंग जो थी वो 3:2 थी और सैलरी 3,000 और 2,000 एनुअल, एनुअल साल की सैलरी थी। ठीक हो गया, कोई डाउट, एनी डाउट्स? आसान लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है। फिर कहने वाला कहता है कि जुलाई से इनको मस्ती हुई और हमारा काम बढ़ाया, प्रॉफिट शेयरिंग चेंज कर दिया, 2:1 कर दिया और सैलरी की अमाउंट एनुअल सैलरी भी बदल दी। ओके, फेयर इनफ, क्वेश्चन आसान है, सॉल्व कैसे करते हैं, ये ईयर एंड है, ठीक है, इसके करेंगे कितने पार्ट्स, दो पार्ट्स। सितंबर में खत्म हो रहा है ना साल, तो शुरू कब से हुआ होगा, ये मैं अक्सर पूछता हूँ स्टूडेंट से, सितंबर में खत्म हुआ है तो शुरू कब से हुआ होगा, देखो जरा देखो, तो 1 अक्टूबर 2020 से, टैक्स में ये चीज आना बड़ा जरूरी है, एंडिंग डेट दी होती है तो शुरू कब से हुआ होगा ये पता होना चाहिए। तो 1 अक्टूबर 2020 से कहां तक, 30 जून, देखो फर्स्ट येलो हाईलाइट है ना, 30 जून, 30th जून तक, ये कितने मंथ्स हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, सर ये 9 मंथ्स है, ठीक हो गया। फिर 1 जुलाई से क्या किया आपने, 1 जुलाई से कब तक, ईयर एंड, ऑब्वियसली ईयर एंड September 21, ये कितने मंथ्स हुए, सर 12 महीने का ईयर एंड है, 9 यहाँ चले गए तो ऑब्वियसली यहाँ 3 मंथ्स होंगे, फेयर इनफ।
अमाउंट जरा अगर मैं आपसे पूछूं तो वो आप बता सकते हैं, इजी है। हम अपने फॉर्मेट पे चलेंगे। क्या फॉर्मेट था? जितने पार्टनर उतने कॉलम, और एक टोटल का कॉलम तो होता है, ठीक है। टोटल थोड़ा ज्यादा दूर चला गया, थोड़ा करीब कर देते। सबसे पहले हम बात करेंगे 9 मंथ्स की, ठीक है। सैलरी 9/12 करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सैलरी ऐसा लिखा है एनुअल, और अगले भी एनुअल है। तो भाई 3000 और 2000 साल की है, 12 मंथ्स की है, तो 9 मंथ्स की कितनी हुई? तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 9/12, 2250। 2000 मल्टीप्लाई 9/12, 1500। टोटल कितना हुआ? 3750। कोई आईओसी नहीं है, खत्म, जान छुट, बस ये आ गई सैलरी। अब मैं आपसे पूछूं, ये प्रॉफिट है 16500 का, इंटू 9/12 कितना इसका शेयर हुआ, आप बता सकते हैं? 16000 इंटू 9/12 कितना होता है? वन टू थ्री सेवन फाइव। और 16500 इंटू 3/12 कितना होता है? 4125। वेरी फेयर इनफ, फेयर इनफ। यहाँ तक तो इजी है ना। अब जरा देखो, कोई आईओसी नहीं है, कोई आईओडी नहीं है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, कुछ भी नहीं है। टोटल हो जाएगा 3750, 1500 और 2250। बैलेंस लिखेंगे, जिसको हम रेजिडुअल प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट रेशियो क्या है? 3:3, यानी टोटल 5 हिस्से इसकी बात हो रही है। 1 2 3 7 5 में से कितना आपने बांट दिया? सर 3750 हमने बांट दिया। कितना बांट दिया? 3750 आपने बांट दिया। कितना बचा? सर 1 2 3 7 5 माइनस 3750, 8625 बचा। तो 8625 दो लोगों में, एक को मिलेंगे 3 हिस्से और दूसरे को मिलेंगे 2 हिस्से। 3:2 है ना, 3:2, ये रहा 3:2, मतलब 3 + 2 5। टोटल है 5 हिस्से, जिसमें से 3 हिस्से, 3 जो है वो मिल जाएंगे किसको? मिस्टर आर, और दूसरे 2 जो है वो एल को। अमाउंट्स कैलकुलेटर पे आएंगी, तो 5175 और 3450, 5175, 3450, ये हमारे पास कुछ आंसर आ जाएगा। ये 12000 था, तो ये तो सेम आना है, इसको जरा हम प्लस कर लेते हैं। लेकिन इसको प्लस ना भी करो ना चलेगा, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, तो इसको यूं ही रहने तो आसान रहेगा। अब नेक्स्ट 3 मंथ्स की बात होगी। नेक्स्ट 3 मंथ्स कलर थोड़ा चेंज किया ताकि नजर आए इजीली। अब देखो 4125 है, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 मंथ्स में सैलरी तो दी है ना, सैलरी कितनी दी है? 6000 और 4000 एनुअल है। तो भाई 3/12 कर लो ना, 6000 मल्टीप्लाई 3/12, 6000 मल्टीप्लाई 3/12 विल बी 1500, और 4000 मल्टीप्लाई 3/12 विल बी 1000। टोटल 2500, ठीक हो गया। अब कोई आईओसी आईओडी नहीं है। अब ये तो देखो, मैंने समझाने के लिए ऊपर यहाँ पे आपको लिख के दिखाया था ये चीज पेपर में। अब नहीं है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट क्या कर दोगे? बैलेंस। और रेशियो क्या है? रेशियो 2:1 हो गया है, देखो ऊपर रेशियो चेंज हुआ है, ये रहा 2:1। 4125 में से कितना बांट दिया? सर 2500 बांट दिया। रेजिडुअल प्रॉफिट इधर, और इस केस में तो ये था ना, कितना आया? 4125। टोटल 3 मंथ्स का प्रॉफिट था, 16500 इंटू 3/12, इसमें से 2500 सैलरीज के फॉर्म में बट गया। कितना बचा? सर 1625। और रेशियोज क्या है? सर रेशियोज चेंज हो गए हैं, 2:1, ये रहा 2:1, मतलब टोटल 3 हिस्से, 2 इसके और 1 इसका। कैलकुलेटर 1083, थोड़ा राउंडिंग ऑफ आगे पीछे हो जाए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो भाई 1625 रेजिडुअल प्रॉफिट है, जिसमें से इसको मिल रहा है 1083 और इसको मिल रहा है 542। फाइनल टोटल हो जाएगा
कैलकुलेटर यूज करेंगे, टोटल ए कॉलम में कितना आएगा सर? 16,000 कितना आना चाहिए? 16,500 आना चाहिए, तो करके देख लेना। 12375 प्लस 2500 प्लस 1625 विल बी 16,500। रोजाली का टोटल आ रहा है, अगर आपका 007 आ रहा है तब भी सही है, राउंडिंग का इशू है, कोई मसला नहीं है। ये दोनों पार्टनरशिप में बहुत सारे सालों से हैं, मतलब फर्स्ट ईयर लास्ट ईयर की कोई कहानी नहीं है, और असेसेबल बोला है तो असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट यानी सिर्फ करके दिखा दो, टैक्स ईयर बेसिस पीरियड और असेसेबल प्रॉफिट रोजाली के लिए अलग और लॉगन के लिए अलग। कौन सा ईयर एंड बेसिस पीरियड ऑनगोइंग चलेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर और लास्ट ईयर की डिटेल नहीं है। तो ईयर एंडेड है 30th September, ईयर एंडेड है 30th September 21 कौन से टैक्स ईयर में आती है? तो सर 21-22 में आती है। रोजाली की अमाउंट है ये, और लॉगिन की है 6492, एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कोई चीज अगर समझ नहीं आई है तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप। ये हमारे पास रोजाली वाला क्वेश्चन था, जिसमें हमने देखा कि अगर ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज चेंज होते हैं तो क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है। असाइनमेंट देंगे आपको जॉन एंड मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जॉन एंड मेजर, ये आपका असाइनमेंट है। प्लीज 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 जरूर ट्राई कीजिएगा, बाद के लिए नहीं रखिएगा। पेपर के लिए जितनी प्रैक्टिस हो उतनी कम है, क्योंकि टैक्स ज्यादातर कंपटीशन बेस्ड है। लेकिन हम सबको पता है कि टैक्स के अंदर रूल्स हैं, बहुत ज्यादा रूल्स हैं, बच्चे रूल भूल जाते हैं और फिर पेपर उनको उनका सब कुछ भुला देता है। ठीक है, पेपर बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, तो बहुत अच्छी तैयारी कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ही का फायदा है। ठीक है, तो जॉन एंड मेजर असाइनमेंट है, इसको जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कमेंसमेंट एंड सीजेशन, यानी अभी हमने जो क्वेश्चंस किए उसके अंदर ये था कि दे आर इन पार्टनर्स फॉर मेनी ईयर्स, यानी कोई नया पार्टनर आ नहीं रहा था, कोई पार्टनर छोड़ के जा नहीं रहा था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने जो भी पढ़ा, जो भी समझा, समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन अल्लाह हाफिज।